दोस्तों आज हम एक ऐसे महान वीर पुरुष के बारे में बात करेंगे जिनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वीर अब्दुल हमीद साहब के बारे में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक मामूली परिवार में 1 जुलाई 1933 को जन्म वीर अब्दुल हमीद के वीरता की गाथा शब्दों में नहीं पिरोई जा सकती, क्योंकि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान वीर अब्दुल हमीद ने न सिर्फ पाकिस्तानी दुश्मनों के दांत खट्टे किए बल्कि पाक के 7 पैटर्न टैंकों के पर कच्चे उड़ा दिए। इसी दौरान वह दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। परिवार वाले बताते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध के दौरान घर से निकलते ही वीर अब्दुल हमीद के साथ अपशगुन हुआ था। पिता ने रोका लेकिन वह नहीं रुके। उन्होंने उस दौरान अपनी पत्नी से सिर्फ यही कहा था कि तुम बच्चों का ख्याल रखना, अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही मुलाकात होगी। शहीद वीर अब्दुल हमीद के पिता अपने क्षेत्र के पहलवानों में गिने जाते थे, लेकिन गरीबी की वजह से आजीविका के लिए सिलाई का काम करते थे। उस्मान खलीफा ने अपने बड़े बेटे वीर अब्दुल हमीद को किसी तरह 5वीं तक की पढ़ाई पूरी करवाई। लोग बताते हैं कि अब्दुल हमीद का मन भले ही पढ़ने में न लगता हो, लेकिन स्कूल जाते समय वह गांव के अन्य बच्चों को भी पकड़कर स्कूल पहुंचाते थे। वह चाहते थे कि गांव के सभी बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं। अब्दुल हमीद ने 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना में सैनिक के रूप में देश की सेवा शुरू की। सेना में भर्ती होने के बाद सबसे पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध में अब्दुल हमीद ने अपनी वीरता दिखाई। गोलियों से घायल होने के बावजूद घुटनों और कोहनियों के बल पर चलते हुए अब्दुल ने चीन द्वारा कब्जा किए गए 14 से 15 किलोमीटर एरिया को क्रॉस करते हुए भारत चीन के ओरिजिनल बॉर्डर पर तिरंगा लहराया था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना को पता नहीं था कि अब्दुल हमीद जिंदा है। युद्ध खत्म होने के बाद जब पीछे से सेना की टुकड़ियों ने सैनिक को शाम को बटोरना शुरू किया तो उन्हीं के बीच घायल हालत में अब्दुल हमीद मिले। वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें नेशनल सेना मेडल दिया। थल सेना में तैनात अब्दुल हमीद जब 33 साल के थे 1965 की भारत पाक जंग के दौरान दुश्मन देश की फौज ने अवैध पैटर्न टैंकों के साथ 10 सितंबर को पंजाब प्रांत के खेमकरन सेक्टर में हमला बोला। भारतीय थल सेना की 4th बटालियन की ग्रेनेडियर यूनिट में तैनात कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद अपनी जीप में सवार दुश्मन फौज को रोकने के लिए आगे बढ़े। पैटर्न टैंकों का ग्रेनेड के जरिए सामना करना शुरू कर दिया। दुश्मन फौज हैरत में पड़ गई और भीषण गोलाबारी के बीच पलक झपकते ही अब्दुल हमीद के अचूक निशाने ने पाक सेना के पहले पैटर्न टैंक के परकच्चे उड़ा दिए। मोर्चा संभाले अब्दुल हमीद ने पाक फौज की अग्रिम पंक्ति के साथ पैटर्न टैंकों को चंद मिनटों में ही धाराशायी कर डाला। पाक फौज के पैटर्न टैंकों से निकला एक गोला अब्दुल हमीद की जीप पर आ गिरा। देश की सरहद की सुरक्षा में तैनात गाजीपुर के इस लाल ने सन 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान न सिर्फ दुश्मन देश के 7 पैटर्न टैंकों के पर कच्चे उड़ाकर पाक सेना के दांत खट्टे कर दिए बल्कि वतन की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।